नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों के बारे में बताऊंगा। इन जगहों पर इतने सैन्य बल और आधुनिक तकनीकों से लैस होते हैं कि यहाँ कोई भी परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मॉर्मन चर्च सीक्रेट वॉल्ट। मॉर्मन चर्च सीक्रेट वॉल्ट को ग्रेनाइट के पर्वत के अंदर बनाया गया है। ये वॉल्ट करीबन 700 फीट की गहराई में बना है। मॉर्मन चर्च पर्वत में आने जाने के लिए 4 गेट हैं। यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण प्राचीन दस्तावेजों को रखा गया है। कहा जाता है कि यहाँ जीजस से जुड़े कुछ पत्र भी रखे हैं। यहाँ तापमान का खास ख्याल रखा जाता है, जो कंप्यूटर से नियंत्रित होता है। यहाँ के चप्पे चप्पे की निगरानी कैमरों और हीटिंग सेंसर से की जाती है। इस वॉल्ट के पास बिना परमिशन जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की इमारत के डिज़ाइन के लिए एक सार्वजनिक कंपटीशन रखा गया था और यॉर्क और शॉयर की कंपनी ने विजयी डिज़ाइन बनाया। यहाँ 7000 टन से भी अधिक सोने का संग्रह है, जो कि एक वॉल्ट में है। ये वॉल्ट सड़क से 80 फीट और समुद्र तल से 50 फीट नीचे है। यहाँ पर गार्ड्स की टीम 24 घंटे सातों दिन सुरक्षा करती है। बैंक की सुरक्षा व्यवस्था इतनी विश्वसनीय है कि दूसरे देश भी अपना सोना यहाँ पर संग्रह के लिए रखवाते हैं। एरिया 51। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा में है। इस जगह के बारे में किसी को भी कुछ ज़्यादा तो नहीं पता है। यहाँ पर अमेरिकी वायुसेना इस जगह का इस्तेमाल करती है, बस इतना ही बताया जाता है। पर यहाँ इससे कहीं अधिक बड़े गुप्त कार्य किए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर दूसरी दुनिया यानी कि एलियन से जुड़ी कई जानकारियाँ छुपाई जाती हैं और कई आधुनिक हथियारों का परीक्षण यहाँ किया जाता है। एरिया 51 की पूरी इमारत जमीन के अंदर बनाई गई है। यहाँ पर कई सारे कैमरों की मदद से निगरानी की जाती है। एरिया 51 में बिना इजाज़त के कोई नहीं जा सकता है। आयरन माउंटेन। आयरन माउंटेन एक कंपनी है जो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित है। इस जगह को एक चूना पत्थर के पर्वत को काटकर बनाया गया है। यहाँ पर खजाने के समान महत्वपूर्ण दस्तावेजों को 1.7 मिलियन वर्ग फुट में फैली और 200 फीट गहराई में रखा जाता है। इस जगह के वातावरण को नियंत्रित करने के लिए मानव सर्जित झीलें भी अंदर बनाई गई हैं। यहाँ कोई भी अपना कीमती सामान रखवा सकता है, जिसे गुप्त रखा जाता है। यहाँ की सुरक्षा काफ़ी कड़ी है। यहाँ आने जाने वालों से गार्ड कड़ी पूछताछ करते हैं। कोरियन डीमिलिट्राइज जोन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाले इस बॉर्डर को कोरियन डीमिलिट्राइज जोन, जिसे DMZ भी कहते हैं। यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में सैन्य बल हर समय तैनात रहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन हैं। कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने इस बॉर्डर पर अपना 60% असला बारूद तैनात कर रखा है। यहाँ पर एक और जगह है जहाँ नॉर्थ कोरिया अपने सैनिकों को रखता है, वो है ट्यूमन नदी, जहाँ पर नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया तीनों के बॉर्डर मिलते हैं। नॉर्थ कोरिया के सैनिक इस जगह की सुरक्षा को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।